ये देखो हमारा कजिन सिस्टर ऊपर से पूछ रही है किधर जा रहे हो, और मैं बॉटल टिपने के लिए जा रहा हूँ। वो प्लास्टिक के बॉटल थे ना, ये पे यहाँ पे ये देखो बड़ा बुरी, वो टिपने के लिए जा रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट बॉटल पिक गाइस, एनीवे ओह ये आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ वॉक। यानी मैंने जो रिसर्च किया था उसमें भी मैंने दो चीज़ पूछा था, कितना केजी का पड़ता है, उन्होंने बताया 10 और 15 रुपये केजी, और आप कितने कलेक्ट करते हैं, उन्होंने बताया था मतलब 10 और 15 केजी कलेक्ट करते हैं, राइट। तो आई हैव नो आइडिया कि उसको कैसे पिक करना है, कैसे पिक करना है मतलब देखो इसमें जो ये प्लास्टिक रहता है ये वाला, इसको रिमूव करना है या नहीं है आई डोंट नो, आइडिया नहीं है मेरे पास। एंड नेक्स्ट चीज मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना ऐसे करके का हवा मार के मैं लिटरली डाल रहा हूँ, बिकॉज सो दैट इट विल कवर अ वेरी फ्यू स्पेस हियर इन माई सैक, राइट। बॉयज कैन यू स्पीक हिंदी, कैन यू स्पीक हिंदी? या बोलिए। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, आज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली लाइक इन्फ्लेशन रेट तो लिटरली बढ़ रहा है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो व्हाट आई थॉट इज लाइक ये जो गरीब आदमी रहता है ना, गरीब तो हम भी है बट हमारे से भी लोअर स्टैंडर्ड, राइट। आई फील लाइक हाउ दे सर्वाइव, राइट। एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ टुडे इज लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक माइसेल्फ अ बॉटल। सो आई हैव कलेक्टेड सम राइट देयर, सो आई ऑल्सो आस्क लाइक सम पीपल राइट देयर, सो व्हाट डू यू थिंक लाइक दिस एक्सपेरिमेंट लाइक, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इन्फ्लेशन रेट नाउ डेज? अब हाँ महंगाई महंगाई तो बढ़ा आया है ना, करना चाहिए, ये तो, देश सोचा रखना चाहिए। नहीं नहीं हाँ वो बात है भैया, बट क्या बोल रहा हूँ कि महंगाई तो बढ़ा है ना, आपने भी नोटिस किया है ना, काम जब तक उनका काम नहीं करोगे ना उनके पास आपका वो रेस्पेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि मतलब आप खुद करोगे तो मतलब हाँ इतना तकलीफ होता है, इतना मुश्किल पड़ता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, तो इसलिए भी कर रहा हूँ। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट्स योर पर्सनल व्यू अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? अब मैं क्या बोलूँ, वो नहीं करना चाहिए, जो बोतल सुतल इधर उधर फाल दे वो नहीं करना चाहिए। हाँ वो योर बॉय जस्ट वाई वाई दे आर दे इंट्रोवर्ट, उनको इतना पसंद नहीं है क्या कम्युनिकेट करने के लिए? अच्छा मुझे नहीं पता, वो उनका प्रॉब्लम है या? हाँ नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं आ रहे वो लोग मुझे पता है। कितने में पढ़ते हो आप? बैचलर फर्स्ट ईयर। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है भाई, कौन सा सब्जेक्ट भूल गए क्या? ये अबे साले बैचलर पढ़ता है यार, अभी अभी भूल गया कौन सा सब्जेक्ट में बैचलर कर रहा है भाई। अरे भाई कॉलेज क्यों जाता है बे? अल्लाह करने के लिए बैक फ्रेंचर है क्या तू? हाँ लिटरली एक्चुअली बैठता है क्या बैक में भाई? यार ब्रो भेज दे दे भाई यार, ये मजा। मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ। अच्छा क्या है चैनल का नाम? समन तिमल सिन्हा। समन तिमल सिन्हा। प्लास्टिक का बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल यहाँ पे है ना, ये जो प्लास्टिक का बॉटल वो ले सकता हूँ क्या? हाँ थैंक यू। नहीं नहीं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट वो उस परमिशन ले रहा हूँ ना आपका, तो इसलिए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यही पूछ रहा हूँ ले सकता हूँ ना प्लास्टिक वाला? अरे प्रॉब्लम क्या है यार, लैंग्वेज में इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं ना, आते हो तो चाइनीज भी बोल सकते हैं ना हम। वो अंकल जी ने मुझे परमिशन भी दिया और वीडियो खींचने के लिए भी हेल्प भी किया, बट वो पूछ रहे कि भाई तू साइको है क्या, मतलब हाफ माइंड है, पागल है, मतलब क्या है? आई वाज लाइक जस्ट लाफिंग मैन, क्या बोलूं मैं। हू सेड हेलो हेलो ब्लॉगर, यू सेड इट, यू नो फाइंडिंग पीपल लाइक यू इट्स रियली रियली हार्ड, व्हाई यू कवरिंग योर फेस? एक्चुअली माय ओके ग्रेट ओके ग्रेट गाइस, व्हिच कॉलेज? कोसी सेंट जेम्स। मैं वहां पे आया था बट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिज नॉट अग्री विथ माई प्रपोजल सोच करने के लिए। एनी वे विच सब्जेक्ट? साइंस। थोड़ा कुछ बता दो ना साइंस का, इम्प्रेस करो ना थोड़ा सा। नहीं नहीं आर यू जस्ट लाविन? अभी 11 में हो क्या तुम लोग? उसमें कितना आया था, एस सी में कितना आया था, 10 में? हाँ
क्या होता है वो? वो होता है सीपीए होता है वो। हाँ 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 ओके। और उसमें से ग्रेड होता है ए। सी इज ग्रेट गाइस। आपका भाई इसका संगत कर लेना, कॉन्फिडेंस गेन होगा आपको भी। ओके ओके बाय, थैंक यू। ऑलराइट, माय नेम इज राजा थापा एंड माय यूट्यूब चैनल इज कैंपर विद टेंपर। कैंपर विद टेंपर, यू विल बी ऑन इट। ओके, आई विल बी पब्लिशिंग दिस व्लॉग आफ्टर 6 डेज। सी या, बाय बाय। देखो गाइस, अभी के लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं ना मतलब जैसे बॉटल्स मिल रहा है वैसे पिक कर रहा हूँ, एंड लिटरली मैं उसको क्रैश कर रहा हूँ एंड डर्टी बॉटल्स भी पिक कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो वेदर डर्टी बॉटल्स कैन बी सोल्ड और नॉट, आई हैव नो आइडिया। तो इसलिए मैं फिर से वहाँ पे जाकर पूछूंगा। अरे यार, ब्लॉग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग पता है, वही कर रहा हूँ। मेरे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज ना प्लास्टिक कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रास्ते से। तो मुझे शंका लगा कि भाई वो बुरा तो नहीं खरीदते होगे, या मतलब वो अच्छा ही खरीदते, कैसे उसको बॉटल ही लेकर आना चाहिए, उसको कुचल कर लेकर आना चाहिए, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो इसलिए मैं पूछना आया यहाँ पे। तो ऐसा डर्टी डर्टी बॉटल्स में पिक कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही शंका लगा। एंड देन आई वेंट फॉर आस्किंग देम, बट ही टोल्ड दैट हाँ ठीक है, मैं खरीद लूँगा। यहाँ पे देखो पानी में भी बहुत ही है, आधा तो निकल दिया, एंड लोग मुझे बुला बुला के दिखा दे रहा है, दैट्स गुड। यहाँ के जो प्लास्टिक का बॉटल है ना, प्लास्टिक का बॉटल ले सकता हूँ क्या? ले जाऊँ मैं प्लास्टिक का बॉटल है ना, ये पानी का प्लास्टिक का बॉटल ले दो, यहाँ पे बहुत सारे, उसको कलेक्ट करके लेकर जाऊँ क्या? हाँ ठीक है भाई, परमिशन तो लेना चाहिए यार। ये देखो यहाँ पे अंदर गैरेज है, तो उनको मैंने पूछा है, उन्होंने लेकर जाओ बताया। बॉटल्स पिक करते हुए 2 घंटा हो चुका है, एंड अभी के लिए मैं घर में आया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। एंड मैंने उस जो बोरी लेकर गया था, वो बड़ा सा बोरी मैंने भर दिया है लिटरली। व्हाट, आई एम सॉरी। एनीवे गाइस, अभी के लिए मैं कबाड़ में जा रहा हूँ, एंड मैं सम ऑफ द रियलाइजेशन पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को से। पहली चीज तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई नो वर्क्स आर इजी, राइट? तो वर्क जो काम रहता है ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक फिजिकल कैटेगरी और दूसरा रहता है इंटेलेक्ट कैटेगरी, राइट? फिजिकल कैटेगरी इतना हाइजेनिक नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट टू सो इट, यू नो यू विल बी डर्टी एंड इट इज़ अ थिंग। बट इंटेलेक्ट लेवल में तो भाई यू विल नॉट बी डर्टी, राइट? यू विल बी हाइजेनिक, यू जस्ट हैव टू वर्क बाई योर अबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इट इज़ अ थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट राइट हियर इज फिजिकल काम रहता है, उसमें आप लोग डर्टी हो सकते हो, आप फिजिकली टायर्ड हो सकते हो, आपके हाथों में ठेला उठ सकते हैं, राइट? तो एज लाइक सेम भाई, जो इंटेलेक्ट लेवल में काम करता है वो फिजिकली और इंटेलेक्ट लेवल में टायर्ड हो जाता है। हालांकि उनके हाथों में ठेला नहीं आता है, बट दिमाग में लिटरली आ जाता है उनका भी। एंड भाई नो वर्क्स आर इजी, नो वर्क्स आर इजी, ट्रस्ट मी गाइस, वेदर इट्स अ फिजिकल लेवल में हो या इंटेलेक्ट लेवल में हो। देखो यार ऐसा लेकर आया मैंने, आपको पूछा था ना, जैसा भी चलेगा बोला, हाँ ठीक है लेकर आओ, प्लास्टिक का बॉटल होना चाहिए। ओ माय गॉड गाइस, 8 kgs, 650 ग्राम भाई, 2 घंटा लगा। मेरे पास फलाम भी है थोड़ा सा, मैं लेकर आता हूँ। 2 kg हुआ है मेरा यहाँ पे फलाम, ये देखो कैसा कैसा कलेक्ट किया है मैंने। भैया बोरी लेकर आना, ठीक है? ये देखो ये सब एक एक करके पिक किया मैंने, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे जो लोग ये काम करते हैं ना, वो लोग कितना बनाते हैं? 500-1000 तो बना लेते हैं आराम से ना। हाँ हाँ हाँ, कितना हुआ? 200 रुपया कमा लिया क्या मैंने? अरे भाई ये देखो, देखो गाइस, मैं तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ऐसा काम करने के लिए कैसा होता है, तो खुद एक्सपीरियंस करना है एंड देन रिस्पेक्ट करना है दूसरे को, क्योंकि डिसरेस्पेक्ट करते हैं ना, मतलब हेपते हैं ना ये लोग, मतलब उनको काम करना चाहिए, कितना तकलीफ होता है, क्या क्या सहना पड़ता है। एक आदमी मुझे बोल रहा था, साइको बोल रहा था, साला बॉटल पीकर, भाई तू साइको है, तू अपना काम कर ना, तू अपना काम कर, का है साइको बोल रहा है साला। यहाँ पे भैया जी बहुत ही पूछ रहे थे, एंड मैंने थोड़ा बहुत बताया, उन्होंने वीडियो में मेरा कैंपर भी देखा, और भाई तू ऐसे कैसे बैठ रहा है यार, तू वीडियो के लिए ऐसे कर रहा है, मतलब सच में ऐसा ही है।
मैंने बताया सच में ऐसा ही हूँ, और फिर पैसा कैसे आता है? मैंने बोला मेरा बाप भी दे देता है और मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, और मेरा तो प्रोफेशन आप लोगों को पता ही है, दैट आई वर्क इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द डेमोंस्ट्रेशन, राइट? सो मैंने उनको शेयर किया कि मैं आँख से गड्ढी खींचता हूँ, और मैंने 400 सिंगल एक स्क्वाट्स किया है। तो उन्होंने अभी अभी मेरे को चैलेंज दिया कि भाई 50 मार ले, तेरे को 20 रुपया मैं दे देता हूँ। तो अभी मारते हैं ना, एक बार ही ट्राई करो ना कैसा होता है भाई, तू ट्राई कर। अरे यार ऐसा यंग, वो आग खा के कोयल निकलना चाहिए ना। ये मार देगा दोस्त, तो मार देगा इजी। एक, कमन, दुई, तीन, दामी दामी ब्रो, कम हियर, दामी भाई, दामी भैया, दीजिए 20 रुपया इनाम स्वरूप। अरे यार थैंक यू दा यार, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू दाई। हाँ, इट वॉज क्वाइट टायरिंग, and thank you guys for watching this vlog right here. I hope you liked it and take it positive. Abhi ke liye itna hi, and see you on next. Bye bye.